don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Good morning everyone. Video is clear, voice is clear. Yes, very good morning, very warm morning. Shraddha, Shivam and Shivam. Okay. So let's start with daily current affairs. Awaaz clear hai, video clear hai. Aaj hum log bahut sare questions banane wale hain on daily current affairs. So let's start the session. उसके पहले एक अनाउंसमेंट है. आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे. तो सिर्फ आज के लिए ये महापैक और टेस्ट पैक्स जो हैं वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिलने वाले हैं आपको. बहुत बड़ा बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है, सबसे सस्ता. ये डिजिटल भारत, डिजिटल तैयारी के लिए एक स्टेप है. वैलिड फॉर 24 आवर्स ओनली, सिर्फ आज के लिए, दैट इज 8th of September, आज के लिए ही वैलिड है. ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इससे आपको याद भी रहेगा कि आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है. सो ज़रूर से ज़रूर इसको अवेल करें. ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ताकि आप कोई भी पैक या कोई भी टेस्ट पैक, अगर आप वेट कर रहे थे कि आपका टॉप रिजल्ट के सपने होंगे पूरे, तो उसके लिए आपको ये महापैक और टेस्ट पैक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वेट कर रहे थे कि कब प्राइस कम होगा, देन वील गो फॉर इट. तो अब प्राइस कम हो गया है और इससे ज़्यादा प्राइस अब और कम नहीं होगा, दिस इज़ माई गारंटी. Y332 कोड है, Y332 कोड यूज़ करना है आपको और इस पैक को अवेल कर लेना है. ये महापैक है, टेस्ट पैक, ज़रूर से ज़रूर इसको अवेल कर लें. अंडरस्टूड गाइज? आज ही सारे बच्चे ये जाएंगे यहाँ पे, जो भी पैक इनको चाहिए आप जाके लेंगे. कोई भी टेस्ट पैक तो ले ही लो. मतलब मेरा मानना है कि अब तो ये 100 रुपये तक में मिल जाएगा तुम लोगों टेस्ट पैक. इसको यूज़ कर लेना, कॉइन को यूज़ कर लेना और देन यू गेट इट. ओके, चलिए. वेरी गुड मॉर्निंग. करंट अफेयर्स आज है वेंसडे और 8th of September, जैसा मैंने बोला था. जून अप्रैल मई मार्च, सब जून मई अप्रैल मार्च सबके करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो आज जो है हम लोग थोड़ा बहुत मार्च के करंट अफेयर्स देखेंगे, राइट. अप्रैल मार्च के करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, वो करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, नॉट बींग डिले. फर्स्ट क्वेश्चन है कि हुडोन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021. ये देखिए आपका, ये थोड़ा सा नया है, अभी कुछ नया न्यूज़ करेंगे उसके बाद पुराना, ठीक है. तो ये जो हुडोन रिसर्च, हुडोन नाम है इसका, ठीक है, हुडोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये निकाले हुडोन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट. तो ये विच कंट्री हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न या स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. यूनिकॉर्न समझते हैं, पहले के ज़माने में जब आप थोड़ा गुलमोहर वगैरह का बुक पढ़े होंगे तो एक कैरेक्टर था उसमें, उसका नाम था सोना चांदी. कुछ याद है? मतलब ये पढ़े होंगे आप लोग 6-7 में. सोना चांदी एक हॉर्स था जो कि बहुत गरीब था. गरीब मतलब कि उसको खाना वाना नहीं मिलता था, लेकिन बहुत मेहनती था और बहुत लोगों का हेल्प करता था. और फिर उससे खुश होकर भगवान जी ने उसको यूनिकॉर्न बना दिया. यूनिकॉर्न यानी कि एक हॉर्स जिसमें ऐसे सींग रहता है, सिर्फ एक. तो ये यूनिकॉर्न यहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में कहा जा रहा है, यानी स्टार्टअप जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं. और हुडोन इंडिया एक कंपनी है जिसने फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट निकाला है. तो ये कह रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न सिस्टम इकोसिस्टम, ताकि लोग अच्छे से आए आगे. आप जैसे बच्चे जो हैं उनको भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना कोई, मतलब ये टेंशन होता है कि खराब हो जाएगा पैसा या गिर, मतलब फॉल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. तो बिना ये टेंशन के इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं. तो इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है कि आपको भी उसके लिए कॉन्फिडेंस आए. तो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है वो इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है. अमेरिका ने टॉप किया है, चाइना सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है हुडोन इंडिया के अकॉर्डिंग. ये याद रखना, ये नहीं लिख दे रहा कि हमने बनाया है, हुडोन इंडिया के अकॉर्डिंग, ये कोट करना इंपॉर्टेंट है. ये बोला जा रहा है कि इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है. जिलिंगो जो है इसने टॉप किया है यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन रैंकिंग इन इंडिया. ये कंपनी है, ठीक है. और बेंगलुरु ने, इसका जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर में है, इसका नाम है जिलिंगो,
जी लिंगो, इसका हेडक्वार्टर है तुम्हारा कहाँ पे? सिंगापुर में। और बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु जो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न, सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स जो है वो तो बेंगलुरु में ही है, जो छोटा मोटा कंपनी स्टार्ट करते हैं और बाद में वो बड़ा बड़ा कंपनी बन जाता है। तो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए द मोस्ट फेमस सिटी इन इंडिया, द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु, और उसके बाद मुंबई है। बेंगलुरु में 31 यूनिकॉर्न्स मिले और मुंबई में 21 यूनिकॉर्न्स मिले। तो अगर तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आए कि इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, भारत के अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न क्या है, जैसे पूछते हैं ना कि देखो इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ वर्ड जो है वो रिलेटेड है, जैसे बुल, ठीक है, बियर, ये सब क्या है? बुल मतलब बुल सिंह, ऐसे मारता है ना, आप लोग तो देखे होंगे वो शरद मेहता वाला, तो बुल सिंह ऊपर की ओर मारता है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो वो बुल है। बियर ऐसे करके मारता है, तो अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो वो बियर है। चिकन एंड पिग्स, चिकन एंड पिग, पिग है जैसे हम जैसे लोग जिनको डर लगता है सेंसेक्स वगैरह से, नहीं समझ में आता है, हम लोग अपना पैसा उसमें नहीं डाल सकते हैं, तो वी आर चिकन एंड पिग्स, ओके। और यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न वो लोग हैं जो नए नए स्टार्टअप्स, नए नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। क्लियर है गाइज? चलें तो पहले तो कुछ टर्म्स देख लो। इंडियाज फर्स्ट स्टेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, SDG क्या है? गरीबी मिटाना है, भूखमरी मिटाना है, सबको एजुकेशन देना है, जेंडर इक्वालिटी खत्म, जेंडर इक्वालिटी लाना है, गैप खत्म करना है, राइट? तो ये जो है स्टेट, ये है केरला। इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया का रैंक बहुत खराब है, 120 है, मतलब 119 कंट्री हमसे अच्छा कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, SDGs में, ठीक है। और इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, जो 86 रैंक है हमारा परसेप्शन, यानी जितना अच्छा रैंक होगा उतना कम करप्शन होगा। ये नहीं बोलो मैम अच्छा है ना कि 85 कंट्री हमसे ज़्यादा करप्ट है, नो, 85 कंट्री हमसे ज़्यादा बेटर है। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर, ये 94th है, देखो ये रैंक तो और ख़राब है, यानी कि 93 कंट्री में हमसे अच्छा हंगर के लिए काम किया जा रहा है और हम लोग बिल्कुल ही क्या बोले। और अच्छा रैंक इसमें इंडिया रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो वो 4th है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है, यानी कि फायर से हम लोग पावर लेके कुछ एनर्जी का उपयोग कर लें। चलिए तो ये सवाल है आपके सामने नेक्स्ट, और मैं सबको गुड मॉर्निंग बोल दूँ पहले, ठीक है। भूपेंद्र पाल, वेरी गुड मॉर्निंग। दिनकर कुमार, गुड मॉर्निंग। मनोज, प्रशांत, प्रगति, मनोज, दिनकर, निधन, है ना, वरना फिर बोलोगे मैम क्या बोल रहे हैं, निधान नहीं है, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। रेणू यादव, राहुल शुक्ला, दुर्गा, श्रद्धा, मंजू, रोशिली, श्रद्धा, राहुल शुक्ला, अनिल प्रजापत, रिंकी, जूही, रेनू, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। किसी का नाम बच गया होगा तो बता देना, पवन और शिवम। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, और प्लीज तुम लोग देखो खुद में पहले आदत डालो कि मुझे आंसर देना है, मैं गलत आंसर दे रहा हूँ, सही आंसर दे रहा हूँ, नो वरीज, आई विल गिव आंसर इन द क्लास। फर्स्ट चीज है इनिशिएट करना, ठीक है, पार्टिसिपेट करना। पहले आप लोगों को बोला जाता है ना कि आप कोई भी चम्मच और नींबू वाला गेम होता था स्कूल में, तो बोलते थे पहले पार्टिसिपेट तो करो, टीचर बोलती थी पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद देखा जाएगा कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, दैट डज नॉट मैटर, फर्स्ट थिंग इज पार्टिसिपेशन। तो आप सभी लोग आंसर देंगे, हाँ। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी हैज स्टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। देखो ऑक्सफोर्ड ना एक अलग से शहर है लंदन के पास, ऐसा नहीं है कि लंदन में ऑक्सफोर्ड है, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड है, ये बात बोलना सही है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक अलग से मतलब जो है, और उसके बाद सेकेंड में है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोई बच्चे यहाँ से ये सबसे पढ़ना चाहते हैं तो उनका FY रैंकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आप लोग बहुत मेहनत करेंगे तो जा सकते हैं, काफ़ी इंडियंस जाते हैं, इतना कोई बहुत हॉट शॉट बात नहीं है, मतलब अगर आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे, बस डेडिकेशन होना चाहिए, लगन होना चाहिए। GRE का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, GRE एग्ज़ाम्स, तो यहाँ से आप जा सकते हैं उसमें, और TOEFL का भी एग्ज़ाम दिया जाता है बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ठीक है।
अगर इंटरेस्ट है तो नीदरलैंड वगैरह का जो यूनिवर्सिटी होता है वहाँ पे कम पैसा लगता है क्योंकि वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे, एजुकेशन वगैरह और हेल्थ में पैसा कम लगता है, ठीक। और बेंगलुरु बिटवीन द रैंकिंग इंडियन, जो हमारा जो सबसे बेस्ट है IISc, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और यहाँ से पढ़ना चाहता है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में आप जा सकते हैं। इनका रैंक जो है वो 300 से लेके 350 में है। ये सिर्फ इकलौता इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि 350 रैंकिंग तक में आया है। तो हमारा कंडीशन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, खैर, पर बच्चे तो हमारे इंटेलिजेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट थिंग इज कुछ टॉपिक है, जैसे ग्लोबल टीचर अवार्ड अभी मिला है रंजीत सिंह दिसाले को। ये जो है महाराष्ट्र के थे रंजीत सिंह दिसाले, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर काफ़ी काम किया था कि बच्चे पढ़ सके, उनको प्रॉब्लम ना हो। और IIT भुवनेश्वर को ये फिक्की द्वारा दिया गया है। फिक्की जितना भी कंपनी है उसका एक फेडरेशन है, इंडिया में जितना कॉमर्स कंपनी है उसका फेडरेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इसको 2021 का, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से याद आया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है, तो वैसे ही हिंदी वर्ड 2021 का है वर्ड ऑफ द ईयर है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है, आत्म मतलब सेल्फ और निर्भर मतलब आत्म, सिर्फ सेल्फ पर निर्भर करें, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट। मैम अच्छा निधान, ओके निधान, निधान ठीक है, निधन नहीं है, निधन मतलब तो मर जाना होता है, सॉरी निधान, आपका नाम है निधान सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, संजय जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। बात किया था मैंने PDF के लिए, हो सके उसको डाल दिया जाएगा, सारा एक दिन में चेक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। हाँ हाँ निधान मैंने बोल दिया। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक सेक्टर PSEE इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो पूछा जा रहा है कि पहली, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 100 साल में पहली बार कोई वुमेन DG बनी है डायरेक्टर जनरल, ये कौन थी, धृति बैनर्जी इनका नाम था, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि पहली बार 16-17 साल में नहीं, पहली बार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में पहली बार कोई वुमेन बनी है उसकी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कौन है ये विमेन, इनका नाम क्या है, इनका नाम है वर्तिका शुक्ला, बिल्कुल वर्तिका शुक्ला इनका नाम है। ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है पब्लिक सेक्टर इंजीनियर एंटरप्राइज, हिंदी में देख लो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनी है ये। और इंडिया लिमिटेड ही शी होना चाहिए ना, शी लेड द कंपनीज इनोवेटिव एनर्जी प्रोग्राम इंक्लूडिंग बायोफ्यूल में काम किए, ये गैस कोल गैसिफिकेशन में इन्होंने काम किया है, वेस्ट टू फ्यूल, वेस्ट से कचरा से हम लोग बनाएंगे ईंधन, वेस्ट टू फ्यूल, ठीक है, और हाइड्रोजन एनर्जी में भी इन्होंने काम किया है। और ये केमिकल इंजीनियरिंग इन्होंने ये ग्रेजुएट की है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए IIT कानपुर से, वन ऑफ द बेस्ट IIT कानपुर से, और फिर ये EIL ज्वाइन की थी और फिर इनको इतना अच्छा पोस्ट मिल गया। अंडरस्टूड गाइज, सो आप कभी भी अपने लाइफ में चमक सकते हैं, यू कैन बी अ स्टार, नॉट स्टार लाइक यू कैन बी अ सुपर स्टार, बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। ये जरूरी नहीं है कि जो 10th बोर्ड का टॉपर होगा वही आगे जाके सक्सेसफुल होगा, नहीं हो सकता है, वो बाद में पढ़ना छोड़ दे, तो 12th बोर्ड का टॉपर होगा वो सक्सेसफुल होगा, नो, ग्रेजुएशन का टॉपर होगा वो सक्सेसफुल होगा, नहीं। अगर आप 10th में बस पास कर गए, 60% 40% में बस पास कर गए, ठीक है, यहाँ पे भी आपका वही हाल है, 12th में भी आप बस पास कर गए, खींच 30% आ गया, ग्रेजुएशन में भी बस किसी तरह थर्ड डिविजन किसी तरह पास कर गए, लेकिन अब आप में वो एनर्जी आया, भगवान हर किसी को टाइम में कुछ एनर्जी देते हैं, अब आप में वो एनर्जी आ गया, एनर्जी आ गया है कि अब मुझे एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना है और बिल्कुल लाइफ में सेटल हो जाना है, बहुत अच्छा ऑफिसर बनना है। और आपने आज से पढ़ाई शुरू की, 100 दिन बाद, ओनली 100 डेज, आपने अपने आप को डिटरमाइंड कर लिया है, 100 दिन, आई एम टेलिंग यू दिस इज द मैजिकल नंबर, 100 डेज, आपने अपने आपको डिटरमाइंड कर लिया है कि मुझे पढ़ना गवर्नमेंट जॉब लेके रहना है इस बार,
तो क्या होगा, आप बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए। Establishment of Engineers India Limited, ये जो है बना कब था, 1965 में बना था। Who has been appointed as a Vice Chief of Indian Navy recently? देखिए Vice Chief of Indian Navy डालना जरूरी था क्योंकि इसको मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं डाला था। तो ये है SN गोलमदे, गोलमदे इनका नाम है, SN गोलमदे ये बन गए हैं Vice Chief of Indian Navy। ये पूछा जा सकता है अपॉइंटमेंट्स में, अपॉइंटमेंट में CGA भी पूछा जा सकता है। क्याग नहीं है, क्याग तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये है CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये बने हैं दीपक दास। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो LIC का जो न्यू CEO है, मिनी आई पे, सॉरी ये मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। और फिर स्टॉप टीवी बोर्ड के कौन चेयर करेंगे, तो मुनसुख मांडविया जी जो है वो स्टॉप टीवी, ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ये इसको चेयर करेंगे। चले पैम परचेज कोर्स, तो को क्या डेस्कटॉप, हाँ बिल्कुल डेस्कटॉप फोन वगैरह सब पे आप अपना लॉगिन आईडी वगैरह मिल गया होगा ना, दीपेश पाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देखो आज जो है सबसे बड़ा ऑफर है, आज के पास और सस्ता नहीं होगा कोई भी टेस्ट पैक या महापैक, बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो आप लोग अपने आप को साक्षर तो कर ही चुके हैं, जॉब भी ले ले, पैक यू हैव टू परचेज अ पैक फ्रॉम द ऐप, और कोड क्या है Y332, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको और आज कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, Who has been appointed as Secretary General of Rajya Sabha recently? तो अभी Rajya Sabha के महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, कौन नियुक्त किए गए हैं महासचिव के रूप में, तो ये देखिए इनका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है PPK रामाचार्युलू। ठीक है, चार्युलू इनका नाम है, ये जो बने हैं, नहीं प्रहलाद जोशी नहीं बने, ये बनेंगे। ठीक है, ये जो है राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू होते हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के डिफैक्टो चेयरमैन हो जाते हैं। एक वर्ड है डिफैक्टो यानी कि अपने आप बन जाएंगे ये चेयरमैन, और ये बनाए हैं डॉक्टर PPK रामाचार्युलू को सेक्रेटरी इन राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, 2018 से इनको बनाया गया, फिर से बना दिया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम याद रख लेना यार, रामाचार्युलू। ठीक, चले अब स्पीकर कौन रहेंगे राज्यसभा के, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही स्पीकर रहेंगे हमेशा से। स्टैब्लिश कब हुआ था राज्यसभा, देखो तुम लोग को लगता होगा 1951 क्योंकि 1950 में हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो उसके अगले साल स्टैब्लिश हो गया होगा, तो नहीं बिल्कुल नहीं, 1951 नहीं है, 1952 में हुआ था ये 3 अप्रैल को। ठीक है, एक आदमी जो है, एक मेंबर MP जो रहेगा राज्यसभा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, उनका जो टर्म रहेगा वो 6 साल का रहेगा। ओम बिरला है अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव जो ये सब चीज़ को कोऑपरेट करेंगे और बातचीत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमित शाह जी पे है, यही है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, अब ये बताइए गाइज, आंसर्स देना दे क्यों नहीं रहे हो यार तुम लोग, आंसर्स आई वॉन्ट आंसर्स, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए, रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड न्यूट्री गार्डन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, टू मार्क द बिगनिंग ऑफ पोषण मंथ 2021। तो पोषण मंथ मनाया जा रहा है, आपको पता है पोषण ईयर भी मनाया जा रहा है, हम लोग कोशिश करें कि सारे बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण, प्रॉपर सेहत दिया जाए। तो हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है, किसने उद्घाटन किया है गाइज, तो देखो स्मृति जुबीन ईरानी, तुलसी कहानी घर घर में ये नहीं थी, तुलसी। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ये, और स्मृति ईरानी जो है इन्होंने न्यूट्री गार्डन का अब मतलब शुभारंभ किया है, स्टार्ट किया है इसको। ठीक है,
और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी इसमें पार्टिसिपेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ये AAAII दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पोषण माह मनाया जा रहा है. बस दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. ये रूफ टॉप गार्डनिंग है, टेरेस गार्डनिंग, यानी कि आपके घर में जगह नहीं है तो आप छत पे ही बहुत सारा पेड़ लगा लें. हर बच्चे को एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए. तो यही है. और बताएं कि इसी के साथ और कुछ पार्क्स जो इम्पोर्टेंट है उसको डेवलप उसको डिस्कस कर लेते हैं. इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क जो है वो कलकत्ता में है, ठीक है, कोलकाता में है. स्मॉग टावर, ये गौतम गंभीर वाला न्यूज़ याद है, स्मॉग टावर की जो भी वायु जो पल्यूटेड है, जो प्रदूषित है, वो स्मॉग टावर से जाएगा और बिल्कुल ही वो साफ बन जाएगा. ये दिल्ली में इंस्टॉल किया गया था. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क. लाइकेन जो होता है, क्या होता है, एल्गे और फंगी का, मतलब लाइकेन जो है वो क्लैश है, एल्गे और फंगी दोनों रहता है इसमें. और लाइकेन से क्या पता चलता है कि वहाँ का एयर पोल्यूटेड है या नहीं. अगर हवा प्रदूषित है तो ये लाइकेन मर जाते हैं, उसके बाद ये जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठीक है. तो ये है उत्तराखंड में. गाइज आप लोगों ने सेशन को लाइक किया है, सेशन सारे बच्चे सेशन को लाइक करो फटाक से, भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना. चलिए, और जेंडर पार्क कहाँ बना है, केरला में बना है. तो मैंने ये सब आपको डिस्कस करा दिया. टायर पार्क कहाँ, कोलकाता में. स्मॉग टावर कहाँ, दिल्ली में. लाइकेन पार्क कहाँ, लाइकेन पार्क देखो पूरा एकदम हरा 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 रहेगा, बहुत सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है. मॉस पार्क भी उत्तराखंड में बना था वैसे. और जेंडर पार्क कहाँ है, केरला में. चलिए, गुड़िया यादव जी बिल्कुल सही है, ठीक है. तो नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, अभी अभी गया है नेशनल टीचर्स डे, इसका तो सारे बच्चे आंसर देंगे, राइट. तो जल्दी से आंसर दीजिए. नीर मोहम्मद, गुड़िया, निधान, प्रशांत, सब आंसर दो जल्दी से. तो ये है 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं. ये स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे, भारत रत्न भी मिला था इनको. ये कब मिला था ये मैंने डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ. और ये कब से मनाया जा रहा है, 1962 ऑनवर्ड्स, ये याद रखिएगा कब से मनाया जा रहा है, 1962. और ग्लोबली टीचर्स डे इंटरनेशनली कब मनाया जाता है, बस एक महीने बाद, जो कि है 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है. अच्छा, वॉइस क्लियर है आप लोगों को, द वॉइस इज क्लियर राइट, ये एक बार बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि वॉइस इज क्लियर. चलिए बढ़िया, माइक ही नहीं डाला था. हाँ जी, सो समझ में आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यार सेशन अच्छा है नहीं है, कुछ भी, टेल मी एनीथिंग. लगातार पढ़ने से बच्चे बोर जाते हैं. और लाइक करना होता है सेशन को, लाइक किया है आप लोगों ने, सभी बच्चों ने लाइक किया है सेशन को, क्लियर है, सब क्लियर है. चलो बढ़िया, सेशन ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, लाइक कर दीजिए. अब देखो, नेशनल डिफेंस डे कब मनाएंगे हम लोग, एयरफोर्स का अलग है, आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, लेकिन नेशनल डिफेंस डे पूरा पूरी है 3 मार्च को. मलेरिया डे, मच्छर काटता है उस दिन, मलेरिया को खत्म करने के लिए मनाते हैं, मलेरिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं मनाते हैं, ठीक है. तो मलेरिया को खत्म करने के लिए हम लोग 25 अप्रैल को मनाते हैं. रेड क्रॉस डे, लोगों की मदद करते हैं, आर्ट, मतलब रेड क्रॉस की मिडवाइफ रहती है, नर्स को मिडवाइफ कहते हैं, मिडवाइफ, बीच वाली बीवी नहीं, मंझली बीवी नहीं, मिडवाइफ, नर्स को मिडवाइफ कहते हैं. तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई को. और ओजोन डे मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को, इस महीने में 16 सितंबर को ओजोन डे मनाएंगे. ओजोन किस लेयर में होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर ये है आपका स्ट्राटोस्फेयर, ये है आपका मीजोस्फेयर, और फिर फाइनली ये है आपका थर्मोस्फेयर. तो ये जो स्ट्राटोस्फेयर है, इसमें एक लेयर है जो कि सन के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, और ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ओजोन लेयर कहते हैं. और ये अर्थ के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं हम लोग 6 अक्टूबर को. चलिए बढ़िया, विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च अ रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम कॉल्ड SAATH, अ सपोर्ट ग्रुप ऑफ फॉर वुमेन. तो ये पूछ रहे हैं कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए सहायता समूह SAATH नामक एक ग्रामीण उद्यम
तत्वरण कार्यक्रम शुरू किया है, मतलब विमेन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है। कौन विमेन को? जो गांव में रहती है, रूरल विमेन को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, और इसका नाम है क्या? साथ। इसका नाम क्या है? साथ, निभाएंगे ये साथ। तो कहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? एलजी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये है मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम एक्सेलरेट किया है साथ, इसको शुरू किया गया है साथ को। और ये बेसिकली क्या करेगा? ये औरतों के लिए, जो वहां पे औरत है उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है, आत्मनिर्भर और बिल्कुल ही स्ट्रांग बनाएगा सोशली, कि उनको समाज में इज्जत मिले। फाइनेंशियली, फाइनेंशियली जरूरी है, फाइनेंशियली अगर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे तो उनको दूसरे पे डिपेंड करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाय मेंटरिंग, उनको मेंटर करेंगे, समझाएंगे, एसोसिएट करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप से, छोटा मोटा काम देंगे ताकि वो अपने आप में गर्व महसूस कर सके और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। ऑलरेडी 48,000 SHGs जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप लोगों ने NCERT की बुक में पढ़ा होगा, कि बस एक मतलब कि ग्रुप ऑफ विमेन होता है, एक महिलाओं का समूह होता है जो कि लोगों की मदद करता है घर घर जाके। अगर मतलब गवर्नमेंट को भी कोई पोलियो वगैरह ये सब शुरू करना हो तो देखते ना विमेन आती हैं आपके घर में, तो उन्हीं में से ये लोग भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है और बहुत सारे विमेन को इससे जोड़ने का बात किया जा रहा है ताकि उनको कहीं और नहीं जाना पड़े। तो देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मनोज सिन्हा है। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैज बीन रीनेम्ड, इसका हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पहले तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही था बस। विच स्टेट हैज स्टार्टेड सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम, तो सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट करने वाला जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर ही है। फायरिंग रेंज कहाँ पे है? गुलमर्ग में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और फायरिंग रेंज का नाम का क्या बदल के रख दिया गया है? विद्यावनन के नाम पे इनका नाम बदल दिया गया है। स्क्रीन प्रॉब्लम, मेरा स्क्रीन प्रॉब्लम होगा, आप लोग बस ये यहाँ पे देखें, ठीक है। वेट, आई एम हाइडिंग माई स्क्रीन बिकॉज, और 100% वैक्सीनेशन देने वाला गांव कहाँ पे है? वायान है, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें एक विलेज है जिसका नाम है वायान, ठीक है। मैं आई एम जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वायान, ठीक है। ये है आपका गांव जहां पे जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे दिया जा रहा है। नेम क्या चेंज हुआ? पहले नाम था जम्मू एंड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख तो उसमें था नहीं, अब है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये नाम नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि वहां के हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है। पहले सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था ना, तो अब उसका नाम हो गया एंड लद्दाख भी उसमें जोड़ दिया गया है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए इसका आंसर दे आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो देखो, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये वायनाड, वायनाड अभ्यारण, वन जीव अभ्यारण कहाँ पे है? ये है केरला में, है ना, केरला में है ये। और अ ड्रैगन फ्लाई सर्वे जॉइंटली कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंक्लूडेड रिसेंटली इन, तो यहाँ पे अभी एक ड्रैगन फ्लाई का सर्वे हुआ है कि कितने ड्रैगन फ्लाई हैं हमारे पास, तो काफी सारे स्पीशीज निकले हैं। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, पर ये पूछा जाएगा कि वायनाड है कहाँ पे। देखो, न्यूज कुछ भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि उससे वही क्वेश्चन आए जो कि न्यूज है, उसका कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आ सकता है। मान लीजिए कोई स्टोरी है, कोई न्यूज़ है, तो उसका हिस्ट्री भी आ सकता है, ज्योग्राफी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसको थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर नीचे से पढ़ लेते हैं। अब बताएं कि चेयरशिप यानी कि कौन जो है वो अध्यक्षता ग्रहण किया है ब्रिक्स का इस साल के लिए, इस साल के लिए कौन है अध्यक्ष ब्रिक्स के, ये बताइए। तो ये है इंडिया, इंडिया बन गया है 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी जो है वो अभी मोदी जी बनेंगे। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी अध्यक्षता करता है उस देश का, प्राइम मिनिस्टर उसका अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है। फिर से वही बात है कि अभी सबसे सस्ता हो गया, इससे कम प्राइस का कभी नहीं होगा महापैक और टेस्ट पैक का। Y 332 कोड है, इसको जरूर से जरूर यूज करें,
और अपने तैयारी को एक सपोर्ट दें, कम से कम टेस्ट सीरीज तो ले लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज इससे कम प्राइस में टेस्ट सीरीज अब आपको नहीं मिलेगा, या महापैक या कोई भी कोर्स में एनरोल होना है तो यू गेट योर सेल्फ एनरोल गाइज। Y332 इज द कोड, अंडरस्टूड। चलें, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये बताइए, थोड़ा सा जल्दी बताइए। तो इनका नाम है विजय सापला। विजय सापला जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विजय सापला, यहाँ विजय सांपला, सांपला, ठीक है। ये बन गए आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन। इनको अपॉइंट किया गया है, किसने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। और ये शेड्यूल कास्ट जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में इसका जरूर मेंशन है कि हमारे पास एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट होना ही चाहिए। और ही सर्व्ड एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ठीक है, यूनियन मिनिस्टर भी ये बने थे सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक यूनियन मिनिस्टर होता है। और इनके पहले रामशंकर कटारिया जी जो है वो ही वॉज द अर्लियर हेड ऑफ NCSC, ठीक है। यस, सो नाउ आई कैन शो यू माई सेल्फ बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैज कम, ठीक है। चलिए, नेशनल बैम्बू मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। नेशनल बैम्बू मिशन जो है वो किस यूनियन मिनिस्टर ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, किसने शुरू किया है नेशनल बैम्बू मिशन, क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जगह क्या करेंगे, बांस की खेती करेंगे। बांस की खेती से क्या होता है, ऑक्सीजन भी मिलता है और किसान जो है वो करेंगे तो बांस का बहुत ज्यादा उपयोग है, कंस्ट्रक्शन में है, बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, तो जो भी किसान है उनका इनकम डबल करना है ना अगले साल 2022 तक, तो उनको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किया है। और ये स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये पहले से चल रहा है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट रहेगा, क्या ये नया स्कीम है या पहले से चल रहा है, तो 2006-2007 से ही चल रहा है, ठीक है। और फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया 2018 में। और फिर नीति आयोग ने भी कहा और इन्वेस्ट इंडिया ने भी कहा कि हम लोग इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई काम करेंगे। और फिर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस पर कॉन्फ्रेंस भी किया। और फिर फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको इनॉग्रेट, इम्प्लीमेंट कर दिया है। फिर अगला सवाल ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू पार्टनर विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग। तो हम लोग अब गेमिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो चाइना का पबजी खेलें और ये सब गेम खेलें, हम लोग अपने इस गेम को इम्प्रूव करेंगे। तो इस गेम को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार जो है वो उसने किसके साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा है कि हमारे पास भी ऐसा गेम आए कि हमारे भी लोग जो हैं वो उसमें इंगेज रहे। चाइना का गेम क्यों खेलना है, तो ये है इंडिया का IIT बॉम्बे यूनियन मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर रहेगा इसमें, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, INB, ठीक है। नेटफ्लिक्स वगैरह का जो इशू होता है यही मिनिस्ट्री रहता है, नेटफ्लिक्स में, अमेजोन प्राइम में कि दिखाना क्या है नहीं दिखाना, ये सब जितना भी ब्रॉडकास्ट होगा वो इसमें यही मिनिस्ट्री रहेगा, ठीक है। हाँ अक्षय, मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री रहता है इसमें, IIT बॉम्बे जो है वो इसको देखेगा। और यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर जो है उन्होंने बोला कि ये बहुत एडवांस स्टेज का प्रिपरेशन करेंगे हम लोग ताकि बच्चे जो हैं वो गेम खेलें, तो इंडिया का गेम खेलें। अब एक डायनासोर का प्रजाति है जिसका नाम है टिटानोसॉरस, टिटानोसॉरस इसका फॉसिल मिला है, इसका फॉसिल जीवाश्म जिसको कहते हैं, इसका पता लगाया गया है टिटानोसॉर का। टिटानोसॉर ये कहाँ मिला है, ये अर्जेंटीना में मिला है, ठीक है। अर्जेंटीना कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील के बगल में है। ब्राज़ील में कौन सा बड़ा फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है, कहाँ पे,
ब्राजील में और थोड़ा बहुत ये टच करता है बगल की कंट्रीज में भी, अर्जेंटीना में बहुत बड़ा जीवाश्म मिला है। इसमें क्या क्या मिला है, एक लंबा सा गर्दन मिला है और ये जो है प्लांट ईटिंग था, यानी कि ये हम लोग को नहीं खाता, प्लांट खाता था ये, लेकिन इसके पास चार लेग तो था ही। ये सब रेप्टाइल्स के प्रजाति में आते हैं, डायनासोर भी रेप्टाइल्स है ठीक है, लेकिन इतना बड़ा था कि हम लोग पिक्चर ज्यादा तो लोग मर जाते। और ये डिस्कवर द फॉसिल डायनासोर, इसका नाम रखा है इन्होंने एक अजीब सा, निंजाटिटन ज़ेपाटाई, ज़ेपाटाई इसका नाम रखा गया है, ज़ेपाटाई ठीक है। और ये क्रिस्टेशियस पीरियड के हैं, और ये जो फॉसिल है, द फॉसिल विच हैज बीन अनअर्थ इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट नोन मेंबर ऑफ डायनासोर ग्रुप नोन एज टिटानोसॉर्स। Understood guys, clear है? चलिए अर्जेंटीना में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, yes आशीष you are telling, बिल्कुल correct answer है, हाँ बिल्कुल vegetarian है ये। आशीष कुमार एक है और एक आशीष बी है, आशीष बी। Who is the first Asian celebrity to reach 100 million followers milestone on Instagram? तो 100 million, 1 million कितना होता है, 10 lakh होता है, तो 100 मिलियन फॉलोअर्स बन गए इनके इंस्टाग्राम पे, पहले एशियन सेलिब्रिटी है ये। कौन है ये महान सेलिब्रिटी, ये है विराट कोहली ठीक है। विराट कोहली आ गए इंस्टाग्राम पे, वाइफ के साथ भी फोटो डाल देते हैं, अभी तो बच्चे का फोटो डाले नहीं है कभी, बेटी है। तो ये बन गए हैं 100 मिलियन फॉलोअर माइलस्टोन इनको मिल गया है इंस्टाग्राम पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उनका ये सबसे टॉप पे है। आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन इफ आई वुड हैव बीन ऑन इंस्टाग्राम तो आई वुड हैव फॉलोड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये 266 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। फिर आरियाना ग्रांडे, मुझे नहीं पता इस सिंगर के बारे में ठीक है। तो ये है 224 मिलियन इनका फॉलोअर है। और WWE के जो सुपर स्टार है डॉन, इनका नाम एक्चुअली रॉक के नाम से जानते हैं, डॉन जॉनसन, तो इनका 220 मिलियन फॉलोअर्स है, काफ़ी लोग हैं। और मेसी और नेमार नाम के जैसे फॉलोअर भी जो है, मेसी तो खुद अर्जेंटीना ही के हैं और नेमार, ये सब भी टॉप 5 में आते हैं। इंडिया के जो बेस्ट चल रहे हैं वो हैं विराट कोहली, लोग फॉलो करते हैं उनसे, हाँ जस्टिन बीबर का भी है ठीक है। तो इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि देखिए कितना अच्छा बॉडी बनाए हैं, कितना अच्छा टी शर्ट खरीदे हैं, तो हम लोग भी खरीदते हैं, लेकिन अच्छे चीज़ों का इंस्पिरेशन लेना चाहिए, फालतू चीज़ों का नहीं, कि हेयर कट अच्छा है तो वो भी कटवा लें। विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लैटिपस सेंचुरी? प्लैटिपस सेंचुरी किस कंट्री ने बनाया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लैटिपस सेंचुरी? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, द न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट हैज एंड द टैगोरना, हाँ बिल्कुल महाकाल जी की जय ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लैटिपस सेंचुरी। अंडरस्टूड गाइस? चले अगला सवाल है कि विच हर्ब इज कल्टिवेटेड इन जम्मू एज अ पार्ट ऑफ अरोमा मिशन? अरोमा मतलब होता है अच्छा सुगंध ठीक है। तो किस जड़ी बूटी को, हर्ब्स क्या होते हैं, जड़ी बूटी होते हैं, वो खेती में लाया जा रहा है अरोमा मिशन के तहत। अरोमा का मतलब होता है अच्छा स्मेल, ओके होता है ना, व्हाट एन अरोमा। तो ये है लेवेंडर। लेवेंडर जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू में बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है। अरोमा मिशन 2016 में आया था और ये एरोमेटिक है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है इसमें, यानी कि चिकित्सा में ये इसका काम आएगा। और बहुत अच्छा इसमें खुशबू होता है, एसेंशियल ऑयल्स रहता है इसमें, और इसका दाम बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 10,000 रुपये तक मिलता है। तो किसानों को बहुत फ़ायदा होगा अगर वो लेवेंडर की खेती करते हैं, तो लोग इसको खरीदेंगे और इसका दाम बहुत ज़्यादा रहेगा, तो कि किसान को बहुत फ़ायदा होगा। चावल गेहूँ उगाने से तो अच्छा है ना कि वो लेवेंडर उगाएं, एरोमा रहता है उसमें। एरोमा समझ आप लोग, किसी भी चीज़ का स्मेल होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी का स्मेल होता है या फिर वैनिला का स्मेल होता है, तो उसमें भी एक एरोमा स्मेल रहता है, ऑयल, एसेंशियल ऑयल, और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है इसमें, चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होता है। अब बताएं कि ICLED का फुल फॉर्म क्या है, इसको जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग।
अच्छा 150 मिलियन हो गए हैं, ठीक है 50 मिलियन और ऐड हो गए, ये बता रहे हैं दीप कुमार। तो इंटर बैंड कैस्केड लाइट एमिटिंग डिवाइस, ठीक है ये है आपका ICLED। LED तो पता ही होगा लाइट एमिटिंग डिवाइस है, लेकिन ये इंटर बैंड कैस्केड भी जुड़ा के आप देखते हैं क्या होता है ये। तो ये लाइट एमिटिंग डिवाइस है, ये नया तरह का है, हाई पावर लाइट रहेगा इसमें एमिटिंग डायोड से, और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सेवरल केमिकल्स है, बहुत सारे केमिकल है। ये मिड IR मतलब कि इंफ्रारेड वेवलेंथ रीजन को ये एमिट करेगा। बस इतना याद रखिएगा LED है लाइट देगा, ICLED जो है लाइट एमिटिंग डिवाइस। हु हैज इनॉग्रेटेड इंडिया टॉय फेयर 2021, फास्ट करूँ मैं, चले ठीक है। तो ये बताइए कि इंडिया टॉय फेयर का उद्घाटन किसने किया है, जब मैं फास्ट करती हूँ आप बोलते स्लो करें, स्लो कर लो फास्ट करो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया टॉय फेयर का एग्जीबिशन जो है वर्चुअल एग्जीबिशन, इसका इनॉग्रेशन किया था कि अब जो है हम लोग अपने देश के खिलौने बेचेंगे, चाइना पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो भारत के जितने खिलौने उसके लिए एग्जीबिशन कराया मोदी जी ने और इसका इनॉग्रेशन किया था। ये मार्च का न्यूज़ है, मैंने बोला था कि आपको मार्च का न्यूज़ मैं डिस्कस करूँगी। तो 27 फरवरी से लेके 2 मार्च के बीच में चला ये आपका टॉय फेस्टिवल। Which country has approved military strike against Syria? देखो ये भी मार्च का न्यूज है, तो कौन सा कंट्री है जिसने सीरिया के खिलाफ सैन्य हमले को मंजूरी दी है, ये करने वाला कौन सा देश है, ये है अमेरिका। अमेरिका ने बोला है कि आप जो है, जो बिडेन ने बोला कि आप सीरिया पे अटैक करना शुरू कर दीजिए और ईरान बैक मिलिशिया के साथ ये अटैक करना शुरू कर देंगे अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द US फोर्स इन, ये ईरान जो है, ईरान का जो लोग है, देखो लड़ाई किसका हो रहा है, US बोल रहा है कि आप सीरिया पे हमला करें, ठीक है, और सीरिया में पहले से ईरान के लोग हैं जो कि हमला कर रहे हैं इराक पे। तो समझ रहे कौन किसके साथ है, क्लियर, चले फिर बताइए कौन सा वर्ड है जो कि इंडोनेशिया में मिला 170 ईयर्स बाद ये बर्ड मिला है इंडोनेशिया में। ये बर्ड है ब्लैक ब्रोड बैबलर, ब्रोड मतलब यहाँ पे इसका ऐसा ब्रोड रहता है, आईब्रो होता है ना वैसे ब्रो। ये 170 साल बाद बोर्नियो ऑफ इंडोनेशिया में मिला है ये बर्ड, और 1848 में इसको डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, डिस्क्राइब बाई साइंटिस्ट, ये बोले कि भाई ये एक्सटेंड हो गया है, लेकिन अभी 2 लोगों को एक्सीडेंटली उसका फोटो मिल गया है। बहुत लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं, उनका फोटो लेते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तो उनको इनका फोटो मिल गया कहीं से। दीपक कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, अभी सिल्वर मेडल कहाँ पे जीता है, बुल्गेरिया में होने वाले स्ट्रैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये बताइए आप लोग जल्दी से, जरूरी नहीं कि सिर्फ ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा, सब कोई को लगेगा कि बच्चे तो ओलंपिक पढ़ के आएंगे, लेकिन ये पूछ लेंगे कुछ और जैसे स्ट्रैंडजा मेमोरियल के बारे में। तो दीपक कुमार करते हैं बॉक्सिंग करते हैं ये, और 72nd स्ट्रैंडजा मेमोरियल हुआ बुल्गेरिया में, सोफिया बुल्गेरिया में, इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल, और ये एशियन गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीते, एंड अ फॉर्मर इंडियन ओपन गोल्ड मेडलिस्ट भी है ये, ठीक। फिर डेजर्ट फ्लैग जो होस्ट किया गया मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, तो इस किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, मेजबानी किसने किया, मल्टीनेशनल है, बहुत सारे देशों ने भाग लिया डेजर्ट फ्लैग में। हाँ लाइट एमिटिंग, भूपेंद्र पाल बिल्कुल, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। तो ये है UAE ने ये एक्सरसाइज को होस्ट किया है डेजर्ट फ्लैग, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, और ये विच इज हेल्ड इन UAE, खुद UAE में होस्ट ही कर रहा है, तो वहीं पे हुआ और काफी देशों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। इंडिया का कौन कौन सा गया, Sukhoi 30 MKI और C-17 का जो फ्लाई है, 17 का जो फ्लाई है वो गया है, ठीक है। वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे 2021, तो विश्व में जो सुनने का हेयरिंग दिवस भी मनाया जाता है, जो लोग मतलब फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, जिनको सुनने में कष्ट होता है, उनके लिए है ये बेसिकली। तो ये है हेयरिंग केयर फॉर ऑल,
3 मार्च को ये मनाया गया था। ये अवेयरनेस है कि आप लोग अपने कान को ध्यान नहीं रखते, कुछ भी डाल देते उसमें, ईयरबड की जगह कभी कोई चाबी डाल दिया या कुछ भी साफ करने के लिए, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसा गलती ना कर दें कि आपको जो है वो सुनाई देना कम हो जाए या बंद हो जाए। तो उसको भी ध्यान, हर अपने बॉडी पार्ट का ध्यान रखा जाता है। और ब्लाइंडनेस और डेफनेस ये सब के अवेयरनेस को फैलाने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सब कराता है। और इस बार का जो आपका मनाया गया वर्ल्ड हेयरिंग डे, इसका थीम 3 मार्च को ये मनाया गया, इसका थीम क्या है, हेयरिंग केयर फॉर ऑल, सब के लिए। ये क्या करेंगे, सभी के लिए हेयरिंग केयर करेंगे। नाग नदी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, नाग नदी, ठीक है। तो नाग नदी न्यूज़ में जो है, ये नदी कहाँ पे, 17 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 17 किलोमीटर लॉन्ग है। ये कौन से शहर से बहती है महाराष्ट्र के, इसी नदी से इस शहर का नाम भी पड़ा है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे किस शहर के बारे में बात हो रहा है। तो नाग में तुमको क्या लगाना है, नाग में पुड़ लगा देना है, नागपुड़ बन जाएगा। तो नागपुर में ये नदी बहती है, 17 किलोमीटर है ये नदी, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शहर को इस नदी से नाम मिला है अपना, ठीक। लावा हिल से निकलती है, कान्हा पेंच रिवर सिस्टम में चली जाती है, कान्हा पेंच रिवर सिस्टम जो मध्य प्रदेश में बहता है वहां पे ये नदी चली जाती है नागपुर से बहकर। ये लेवेंडर मिशन तो अब आप लोगों को पता ही है, अरोमा मिशन, कौन सा जड़ी बूटी जम्मू कश्मीर में उगाया जा रहा है, गाइस टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से कौन से जड़ी बूटी का बात हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। ये है लेवेंडर, लेवेंडर में जम्मू कश्मीर का, जम्मू का ये पार्ट है और यहाँ इसका बात हो रहा है। फिर कुछ क्वेश्चन जो है, देखिए, विच स्टेट इज टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट सर्वे, पहली बार सर्वे किया जाएगा, पहला सर्वेक्षण किया जाएगा इस राज्य में, किस राज्य में, ये बोल रहे हैं कि हम लोग ना सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लास का देखेंगे, यानी कि पिछड़े वर्ग का जो सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है उसको पूरा अच्छे से उसका सर्वेक्षण करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बैकवर्ड क्लास के होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन का, लेकिन तो भी उनका रिजर्वेशन है। और कुछ लोग हैं जो जिनको ज़रूरत है, जिनको मिल ही नहीं पा रहा है, मतलब एक होता है ना कि बैकवर्ड क्लास में भी क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर है, तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग पिछड़े हैं, इनके लिए था सब कुछ लेकिन अभी भी ये पिछड़े ही हैं। तो प्रॉपर सर्वेक्षण होना चाहिए कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो ये ओडिशा सरकार करने वाला है और ये बोला है कि जो क्लास है वो हमारा 54% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन OBC है, तो हम लोग उनके बारे में अच्छे से बात करना चाहते हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में बात होगा। उड़ीसा है, मध्य प्रदेश नहीं। कैरीकॉम का मुख्यालय कहाँ है, देखेंगे कि कैरीकॉम क्या है, पहले बताओ मुख्यालय कहाँ है कैरीकॉम का, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कैरीकॉम का मुख्यालय कहाँ है गाइस, हरियाणा। तो ये है गुयाना में, देखो कैरीकॉम क्या है, कैरेबियन कम्युनिटी है बेसिकली, कैरेबियन CARI कैरेबियन, और कॉम का क्या हो गया, कम्युनिटी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर गुयाना में है, जॉर्ज टाउन गुयाना में 1973 में बना था। तुम लोग से ये पूछा जा सकता है कैरीकॉम क्या है, तो याद रखिएगा कैरेबियन आइलैंड्स होता है ना, कैरेबियन आइलैंड पैसिफिक ओशन में, बहुत अटलांटिक ओशन में बहुत सारा छोटा छोटा आइलैंड है जिसका नाम है कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन सी भी है वहाँ पे, तो उसी की कम्युनिटी का बात है ये। 15 मेंबर स्टेट है इसमें, 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ये है आपका कैरेबियन कम्युनिटी। अंडरस्टूड, क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट्स, चले बढ़िया। रशिया हैज अनवील्ड इट्स जॉइंट स्पेस प्लान्स विथ विच कंट्री, तो रशिया जो है वो बना रहा है अपना जॉइंट स्पेस प्लान, ये संयुक्त अंतरिक्ष योजना बना रहा है, ये किस देश के साथ बना रहा है, फुल फॉर्म बताया तो मैंने, कैरी, देखो कैरी कैरेबियन हो गया ये और कॉम हो गया कम्युनिटी, ठीक, चले। किस बात पे ये सब बात हो रहा है, अच्छा यहाँ पे, हाँ नहीं, आई एम नॉट
फ्रॉम ओडिशा, ओडिशा ओडिशा ये कौन सा देश है? चाइना है भाई। रशिया और चाइना साथ में मिलके स्पेस सेक्टर में काम करने वाले हैं, जॉइंट लूनर स्पेस ये लोग दोनों कंट्री साथ में बनाएगा। रशिया का जो है स्पेस एजेंसी उसका नाम है रोमकॉस। अच्छा देखो, हम लोग जो है एस्ट्रोनॉट बोलते हैं ना, जो लोग स्पेस में जाते हैं या फिर पूरा दुनिया एस्ट्रोनॉट बोलता है, रशिया एस्ट्रोनॉट नहीं बोलता है, कॉस्मोनॉट बोलता है, ठीक है। और रोमकॉस जो है वो रशिया का स्पेस एजेंसी है, चाइना का क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। ये तो अंग्रेजी में है, ऐसे तो उनका चिंग चांग चू कुछ होगा पता नहीं, ठीक है। चले अब बताइए कि वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR लोकेटेड? IISR कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहाँ पे है? रशिया बोल रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है लखनऊ में, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का ये विंग है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसने किया है कि कंडीशनल एग्जेम्प्ट किया है कि भले वो बोलता है कि आप ड्रोन नहीं यूज कर सकते, लेकिन शुगर केन के प्लांटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बोला है कि ठीक है तुमको ड्रोन यूज करना है, ऊपर का सर्वेक्षण करना है कि क्या है प्लांट कैसा चल रहा है, तो आप ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूट कुड कंडक्ट ट्रायल टू इवैक्यूएट ड्रोन स्प्रेइंग सॉल्यूशंस। देखो तुम्हारे लिए ये सारे करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, SSC JEE का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, CDS आने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए बहुत 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 जरूरी है। अंडरस्टूड गाइज? अब बताए अगला है वनवासी समागम। वनवासी का मतलब क्या होता है? जो वन में रहते हैं। वन का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। वन माने की फॉरेस्ट। समागम ये ट्राइबल कॉन्ग्रेगेशन है। ये ऑर्गेनाइज किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने किया है? एक आदिवासी मंडली का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। हरिया क्या? आशीष मैम आप कानपुर में हैं? अच्छा नहीं नहीं वो तो लखनऊ में ही है, ठीक है मैं एक बार चेक कर लूंगी। चलो ठीक है। ओडिशा ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो ट्राइबल कॉन्ग्रेगेशन है ये वनवासी संगम बना रहा है, यानी कि वनवासी जो लोग वन में रहते हैं वो क्या होते हैं? वो ट्राइब होता है ना, जनजाति होते हैं वो। ट्राइब समागम ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के ही थे, लेकिन अब तो प्रेसिडेंट है ये है रामनाथ कोविंद, और पहले ये बिहार के गवर्नर थे। ये इनको चीफ जस्टिस चीफ गेस्ट बनाया गया है, चीफ गेस्ट। और ये प्रेसिडेंट जो है ये इन्होंने एक नया बिल्डिंग बनाया है सेवा कुंज आश्रम, और बोले हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्टल बिल्डिंग, जो NTPC ध्यान देगा उसके बारे में, ठीक है। PDF बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन आपका होमवर्क का, होमवर्क करिएगा प्लीज, कमेंट सेक्शन में होमवर्क दो यार, होमवर्क से पता नहीं तुमको क्या प्रॉब्लम है। होमवर्क दीजिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि आज जो महापैक और टेस्ट सीरीज, देखिए ये यहाँ पे महापैक और टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इससे सस्ता महापैक और टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगा। Y332 कोड है, इसको इस्तेमाल करें, और बिल्कुल सबसे सस्ता ये सिर्फ 24 घंटे के लिए, सिर्फ आज के लिए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के अवसर पे सिर्फ आज के लिए हम लोग मना रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए तो लिटरेसी डे के लिए मना रहे हैं 8 सितंबर को महापैक और टेस्ट पैक का सबसे सस्ता, इससे सस्ता कभी नहीं होगा। Y332 कोड यूज करना है और इसको ले लेना है, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, आप लोग इसी तरह से मन लगा के तैयारी करिए और लाइक कर देना सेशन को यार, कमेंट करो ना, होमवर्क जो दिया है मैंने उसको कमेंट करिए, होमवर्क में कमेंट करिए जल्दी से कि आंसर क्या होगा, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इसी तरह रोज़ सुबह 8 बजे मेरे साथ बने रहे करेंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू।